इतना काला तो नहीं था, लेकिन इसको अभी उबाल दिए है ना। वीडियो शुरू करे से पहले आप सब जनला निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल विनय राठियाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दे हूँ, ताकि आप मन हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखो सुबह सुबह क्या मिला है, पैरा खुखड़ी है। हाँ। देखो इतना सारा कुकुर मुता खुखड़ी साटा कुकुर मुता का देते हैं बड़ा। ये देखो मस्त दिख रहा है, छाता जैसा है मस्त है ना। ये बड़ा सुबह सुबह चल रहा है, ये 450 450 रुपए किलो चल रहा है। मार्केट में जाओगे खरीदोगे तो हमारे यहाँ बोल रही थी, क्या बोल रही थी, दो सब्जी खरीद खरीद के बना डालेना 120 रुपया पाव, एक पाव खरीद खरीद। यहाँ हम लोग को ना मिल जाता है, देखो जंगल जाओगे तो गांव में रहने से बहुत फायदा है ना। आज जा रहे हैं हम लोग डोरी को, क्या बोलते, तेल फिरवाने। डोरी का जो डोरी भी जो डोरी भी रहते ना, जो महुआ का फल होता है, बहुत लोग बताया होता है, तो महुआ का फल का ना तेल डोरी को पिरवा के उसको पिसवा के उससे तेल निकलता है, और उस तेल का क्या करते हैं जी, सब्जी बनाते हैं, अचूपर देते हैं और दिया जलता है, दिया जलाते हैं उसका, दिवाली में डोरी तेल का दिया जलता है। हाँ, डोरी तेल का दिवाली में तेल जलता है, क्योंकि वो तेल बहुत मोटा होता है ना, तो दिया बहुत टाइम तक जलता है। चलो प्रोसेस दिखाते हैं कैसे कैसे तेल निकलता है, पूरा फैक्ट्री दिखा करते हैं। पूरा फैक्ट्री पोटरी माल के पास है। हाँ, मतलब ना जो मार्केट बेचते हैं ना गीला वगैरह, मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ। हाँ, बस मार्केट में जो बेचते हैं गीला वगैरह, तो ये मस्त ताजा है ना, मस्त है, मतलब तोड़ोगे तो भी ना एकदम मस्त वो है, एकदम ताजा। अभी ताजा है, अगर शाम तक रखोगे ना तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी सुबह से उठा के लाए हैं ना, जो खिला खिला रहता है ना थोड़ा सा खेत में। हाँ हाँ, बस बस कार को ये पूरा मालगाड़ी बना के ना इसमें भर के ले आए हैं। देखो ये हम कोटरी माल पहुंच चुके हैं, जहाँ पे कोटरी माल चौक में ही होता है डोरी की पिसाई, इसमें भर के लाए हैं दो बार। एक बोरी डोरी को उठा लिया हम जहर पहली बार। तो ये फिलहाल डोरी का तेल है जो कि निकल चुका है, तो चलो आप लोगों को सारा प्रोसेस दिखाते हैं। फिलहाल ये तेल है जो कि आधा निकल गया, बगल में मशीन चल रहा है, मस्त फुल साउंड कर रहा है, इसीलिए मेरे को डबिंग करना पड़ा है। फिलहाल देखो कैसे दिख रहा है, इसको घर जाके और भी प्रोसेस है जो करना है, उसको आपको बाद में बताता हूँ, फिलहाल देखते रहो, क्योंकि इसको यूज़ करने से पहले घर में एक और प्रोसेस होता है जिसको करते हैं। इतना सारा निकला है देखो, और ये जितना बोरी दिख रहा है सारा हमारे घर का डोरी है, दो तीन फैमिली मिला के, हमारे बड़े मम्मी लोग के मामी लोग को मिला के, और ये पूरा मशीन और यहाँ पे लगे हुए हैं काम में, या ऊपर से डाला जा रहा है, एक दो बार निकल चुका है, उसको डाल रहे हैं बार बार, मतलब दो तीन बार चार बार डालते हैं जब तक कि पूरा तेल ना निकल जाए। ये देखो इसका छिलका है जो कितना सारा निकला है डोरी को, सारा डोरी को डालते जा रहे हैं तो ऐसे एक साथ मिक्स होकर निकल रहा है, और यहाँ से निकलता है तेल। देखो यहाँ पे नीचे में तेल चुभ रहा है, मतलब मशीन पूरा उसको दबा रहा है, प्रेस कर रहा है, और उधर से छिलका निकल रहा है, मतलब डोरी का सूखा हुआ पार्ट वहाँ से निकल रहा है, उसको वहाँ से हटा रहे हैं, उसको दोबारा एक बार डालते हैं यहाँ पे, देखो ऊपर में डाल रहे हैं ऐसे ही, वहाँ देखो कितना ज़ोर से, और ये इतना सारा डस्ट है देखो उसका, ये पूरा डोरी है जिसका तेल निकाला जा चुका है, और ये बचा हुआ जो रहता है ना, इसको भी कुछ बनाते होंगे, यूज़ होता होगा लेकिन पता नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इसको छोड़ देते हैं वहाँ पे, और ये पूरा का पूरा उनके कुछ काम वगैरह आता होगा, या तो वायर वगैरह खाते होंगे या तो पता नहीं। बाकी देखो इसका पूरा तेल निकल गया है, जिसको सबको सबको भरते जा रहे हैं बड़े मम्मी लोग, उसके बाद में उसको लेके आना है। देखो कितना ये मजबूत है, मतलब एक एक डोरी सब मिल के इकट्ठा एक ठो बन गया, ऐसा लग रहा है कि बड़ा बड़ा सा डोरी था जैसे दिख रहा है। और इधर सारा काम अभी तक चल ही रहा है, क्योंकि बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा। देखो ये रहा मशीन, और यहाँ पे डाल रहे हैं, और ये प्रोसेस चल रहा है दो तीन घंटे से, मतलब लगभग, मतलब 5-6 बोरी है, तो 5-6 बोरी को करने में लग जाएगा, बोल रहे हैं कम से कम 5 घंटा, लगभग 5 घंटा हो जाएगा। ये और एक बार निकल गया है ये वाला, देखो इसको दोबारा भरना है, और ये नानी निकाल रही है इसको, उसको दोबारा बीन के फिर तोड़ ताड़ के फिर एक बार डालते हैं, मतलब एक दो बार देखो इसको उठाने के बाद में इसको दोबारा से वहाँ रखते हैं, ये छोटा छोटा टुकड़ा वाला को, उसके बाद में दोबारा डालते हैं, और बड़ा वाला टुकड़ा को उसको नहीं डालते। देखो ये डोरी का तेल है जिसको लेके आए थे, इतना काला तो नहीं था, लेकिन इसको अभी उबाल दिए है ना, डोरी तेल को उबाला गया तो बहुत ज़्यादा काला दिख रहा है।
इसको डिब्बा में डालेंगे और इसका जो काला काला जो डोरी रहता है वो जल के जम के नीचे हो जाएगा ना, उसके बाद में ऊपर वाला को मतलब छान के अलग करेंगे, फिर ये हो गया डोरी का तेल। संगवारी हो, अगर वीडियो पसंद आई सोहिता लाइक कर दो और चैनल ला सब्सक्राइब करेला बिल्कुल मत भुलाओ। आप मन के एक सब्सक्राइब करे से हमर मन के उम्मीद बढ़ते। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।